कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। एक वर्ष वो नए पत्ते फटफड़ फटफड़ करके बस्ती मार लेंगे और जब आवेगी फिर बसंत ऋतु, वह सारे टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे और उनका विनाश होगा। इस प्रकार क्या बताना चाहते हैं कि पतझड़ आवत देखकर बन रो मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे ई पीले हो जाए। और पात जड़नता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। अब वो तरवर के माध्यम से परमात्मा एक जीव को समझाना चाहते हैं कि कुल के लोग ये कहते हैं भाई ये तो यहाँ पर मृत्यु और जन्म तो सभी के साथ होगा, चिंता मत कर अपना शरीर छोड़ दे, एक दिन सबने ही जाना है। तो ऐसे ही परमात्मा बता रहे हैं कि तरोवर कह रहा है उस पत्ते को कि यहाँ की तो यही एक परंपरा है, एक आ गया और दूसरा प्रस्थान कर गया। जैसे बूढ़े बुजुर्ग इब हमारे जैसे हो लिए, ये सफ़ेद बाल हो गए, पता लग गया कि तू चलने की तैयारी कर, और उधर से पोते पुत्र पोते हो गए तैयार कि हम संभालेंगे तेरे वाले स्थान में। अब वो हम तैयारी कर रहे हैं जाने की, वो आ लिए पीछे थे 50, 60, 70, 80 वर्ष, वो नाच कूद लेंगे फिर वो भी उसी गड्ढे में। और अब यदि हम सच्ची भक्ति करेंगे तो दुख नहीं आगे सुख ही सुख होगा, हम सतलोक जाएंगे, हमारे बच्चे भी, हमारे पोते भी और हम भी, और हमसे संबंधित जो इस मार्ग पर जुड़ चुके हैं, हम उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी बुढ़ापा नहीं है। अब ये है हमारा विषय, ये है हमारा यहाँ का ये कोरस, ये हमारा कोरस है यहाँ का कि हम इस कोरस को करके हम सतलोक चले जाएंगे। और ये वो कोरस है, ये वो ट्रीटमेंट है, ये वो पढ़ाई है जो अपने सिलेबस में लिखी हुई है। अभी तक हमें जितने भी संत गुरु ऋषि महर्षि मिले वो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया करते थे, इसलिए हम काल के जाल में फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में फंस गए, इससे बाहर नहीं हो पाए। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 से 9 तक, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। ये कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। फिर 8वें अध्याय के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि उस तत्परम को जानकर और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझकर वो प्राणी
केवल जरा और मरण से छुटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? वो तत्ब्रह्म यानी वह ब्रह्म कौन है जिसको जानने के बाद और सारे दातम ज्ञान को समझने के पश्चात प्राणी जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, नथिंग एल्स। और फिर वो संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। आठवें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और सुप्रीम पावर है जो पूर्ण मोक्षदायक है, और वहां जरा और मरण नहीं है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। सतलोक के अंदर ना वृद्ध अवस्था आती है और ना मृत्यु होती है, सदा युवा शरीर रहता है। और इस जीव के लिए सबसे बड़ा कहर ये बुढ़ापा और मृत्यु। पुणात्माओं, हम इतने ढीठ हो चुके हैं इन दुखों का सामना करते करते, हम अभ्यस्त हो गए हैं। जैसे बैल के कंधे पर बै, हम इस दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण इन बैलों की प्रक्रिया से बहुत परिचित है। पहली बार किसी बैल के बच्चे पर यानी बछड़े पर जब वो हल जोतने योग्य हो जाता था तो उसके पहली बार उसके ऊपर कोई ऐसे रख देते थे जुआ, तो वो ऐसे निकल जाता था, आगे भागता पीछे भागता। फिर उसको क्या करते थे, उसके जुआ ऐसे छोटा सा जुआ बनाकर और उसके पीछे एक और गड़गड़ाहा बना के बांध दिया करते थे दोनों तरफ के उसके ले आकर, और पीछे उसके खड़ा हो जाता वो व्यक्ति और उसके नाथ डाल दी जाती। फिर उसको वो भागता अपनी मर्जी से, क्यों उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था कंधे पर। फिर उसके पीछे वो बैठ गया, वो ना आदमी गिरे ना वो जुआ उतरे, तो दो घंटा नाच कूद का वो सेट हो गया। ऐसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन उसको सेट करते थे, फिर उसको बैल में या बैलगाड़ी जुए को उसमें हल में या बैलगाड़ी में जोत देते थे। फिर उसके यहाँ एक निशान बन जाता था, ऐसा मोटा खाल अपने आप इतनी मोटी हो जाती थी कि फिर वो अभ्यस्त हो जाता था उस भारी से भारी वजन को ढोने का। तो हम इब भारी से भारी दुखों को सहन करने के आदि बन चुके, हमारा कांध आ गई। यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम फिर भी इस लोक से कति नहीं जावा, हम इतने ढीठ हैं जो कितने दुखी हो जाए। और यहां दोनों काम, बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और पक्का, और फिर भी यहां से चलने को दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने इसका विकल्प नहीं मिला, इसका विकल्प नहीं मिला, क्योंकि यहां ऐसी अज्ञान छुरी बना रखी थी ऋषि महर्षियों ने कि जन्म मृत्यु तो कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये तो जन्मेगा वो मरेगा, और मर गया उसकी जन्म जरूर होगा, ये फाइनल कर रखा था। क्योंकि इनको ब्रह्मलोक तक की साधना का ज्ञान था। ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में। और हमने साधना करनी थी पूर्ण ब्रह्म की, हम पहुंचे नहीं ब्रह्म तक भी, हम करते रहे इन देवी देवताओं की पूजाएं जो स्वयं नाशवान है। ब्रह्म तक भी नाशवान है, इसलिए कहा गीता ज्ञान दाता ने कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, हे अर्जुन तू सर्व भाव से यानी और किसी देव में किसी भगवान में आस्था मत रख, उस एक भगवान की शरण में जा। सर्व भाव से उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले स्थान को प्राप्त होगा, फिर वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक यही विवरण दिया है कि संसार रूपी वृक्ष है जिसके ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, और जो संत इसके पूरे विभाग बता देगा वह तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में जिस सचिदानंद घन की वाणी को समझने के लिए कहा है
जिसके अंदर पूरा विस्तृत ज्ञान दिया गया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से बता देगा। तो वो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही आए थे तत्वदर्शी संत बनकर 600 साल पहले, जब उनको एक शिक्षित और गंवार कहा जाता था परमेश्वर को। उस समय उस महाविद्वान ने यह बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो वो परमात्मा विद्वान थे, वही तत्वदर्शी संत थे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक इसमें यही प्रमाण दिया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है, कोई न जन्म लेने वाला कहता है, कोई साकार बताता है, कोई निराकार बताता है, और कोई किसी ने एक भाषा का विशेष का अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान बोल देते हैं, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान बताते हैं। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे पूछो। तो पुण्यात्माओं, अब आपके समय आपके समक्ष ये क्लियर किया जाएगा कि विद्वान कौन है, अविद्वान कौन थे। ये संस्कृत भाषा के जानने वाले पंडित और ब्राह्मण ये अविद्वान थे, और कबीर परमेश्वर जो संस्कृत अक्षर नहीं जानता था वो पूर्व परम विद्वान थे। इसके लिए आपको थोड़ा सा लालटेन का सहारा लेना पड़ेगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अविद्वान थे। गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 10 से और 13 तक में जो प्रमाण है उसको अब सिद्ध करने के लिए आपको दिखाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद ज्ञानहीन थे, अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे। अपुण्यात्मा, आज शिक्षा का एक परम लाभ हमें ये हो रहा है, ये दास आज से 50 साल पहले 60 वर्ष पहले ये शब्द बोल देता तो शायद इस पृथ्वी पर रहता, और आज ये दास 20 वर्ष से ढोल के डंके पर ये कह रहा है, और बकवाद करने वाले दुष्टों ने अपनी दुष्टता भी खूब दिखा कर देख ली, आश्रम भी छीन लिया, मारने की चेष्टा भी कर ली, और हम फिर रीसेट हैं क्योंकि समाज शिक्षित है। शिक्षा का हमने अगर लाभ है तो ये लाभ हुआ कि पूर्ण समाज जो हमसे परिचित हुआ वो समझ गया कि रौड़ा किस बात का है। ये तो ज्ञान और अज्ञान का झगड़ा था, उन अज्ञानियों ने अपने ज्ञान को छुपाने के लिए राजा और प्रजा को भ्रमित करके हमारे पीछे लगा लिया, लेकिन बुद्धिमान जनता ने संयम का से काम लिया और इसको समझा, और आज ये फिर से उससे भी अधिक स्पीड से चल रहा है। अब इस ज्ञान को समझकर बुद्धिमान लोग आ रहे हैं, रो रहे हैं कि कहाँ छुपा था ये ज्ञान, हे भगवान जीवन खो दिया, कोई 60 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष से ढूंढ रहा था भगवान को, और आज से जब 50 साल पहले दास ये कह देता ब्रह्मा विष्णु महेश है विद्वान है तो उड़े पत्थर पड़े मेरे पे। और आज इस दास ने लालटेन के चांदने में अपने को सुरक्षित रख लिया। एक अंधा व्यक्ति अंधेरे में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन को हाथ में लिए जा रहा था पगडंडी पर कह, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उसने अंधे ने कहा कि बच्चों बेटा ध्यान से आना, मैं अंधा हूँ मुझे दिखाई नहीं देता, बच्चा ध्यान से चलना बेटा। बच्चे निकट आकर पूछने लगे कि बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों ने पूछा कि तूने लालटेन किस लिए लिया है जब तुझे दिखाई नहीं देता? अंधे ने कहा कि तुम आँखों वालों के लिए है, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बूढ़े की देही तोड़ दो। तो ये जो सदग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराण, ये इस दास के लिए तो अंधे वाली लालटेन है। मुझे आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मुझे वो तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका था जो इंक्लूडिंग ये सब ग्रंथों से ग्रंथ है जिसमें, यानी चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, वो सारा समावेश, और उससे आगे का भी ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में दास के पास उपलब्ध था। लेकिन आप जी को इस मार्ग पर लाने के लिए इस लालटेन की आवश्यकता पड़ी, ताकि तुम इस रोशनी में अपने सदग्रंथों को, जिनको तुम सत्य मानते थे और वो अनाड़ी अज्ञानी, वो केवल एक अक्षर ज्ञान युक्त अविद्वान
आपको भ्रमित किया करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, अजरो अमर हैं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कालज्ञ हैं, मृत्युंजय हैं। मृत्युंजय का होता जिसने मृत्यु जीत ली, कालज्ञ जिसने काल जीत लिया। और ये हैं क्या, अभिनी का इतिहास आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले भगवान विष्णु जी के ज्ञान के सत्र को देखते हैं, श्रीमद् देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है संस्कृत श्रीमद् देवी भागवत, केवल हिंदी मोटा टाइप, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। मुद्रक हैं, प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मुन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फैक्स फोन नंबर हैं। इसके 28 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं, प्रथम स्कंध, पहला स्कंध और पृष्ठ नंबर 28। नारद जी ने कहा, व्यास महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं। जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी इस विष्णु को सर्वशक्तिमान मान रहा है, और विष्णु जी क्या बताते हैं देखिएगा। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान विष्णु यानी भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानो सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है यानी ब्रह्मा रजगुण है, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है विष्णु जी सतगुण है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शंकर जी तमोगुण है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी इस प्रकार हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ तोड़ पाड़ दिया, मुझे सब प्रकार से, ये 29 पृष्ठ पे, 29 पृष्ठ पे, मुझे सब प्रकार से
शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का शेरा वाली का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं नारद जी व्यास जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी इनके ज्ञान के सत्र से आप परिचित हो गए कि विष्णु नारद जी तो व्यास को बता रहे हैं और कहाँ से सुना ब्रह्मा जी से और विष्णु जी की वार्ता। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि आप तो देवताओं के भी देवता हो सारे संसार के मालिक हो आप क्यों साधना करते हो। और दूसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और तीसरा इससे ये स्पष्ट हुआ विष्णु जी कह रहे हैं कि मेरे विचार में मेरी जानकारी में मैं जितना अध्यात्म ज्ञान से परिचित हूँ तो दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं है यानी मैं सबसे बड़ा भगवान दुर्गा को मानकर इष्ट रूप में उसका ध्यान लगा रहा हूँ। अब दुर्गा क्या बताती है अब दुर्गा वचन सुनो दुर्गा के बोल 562 पृष्ठ पे 562 पृष्ठ पे दुर्गा हिमालय राजा को ब्रह्म के विषय में बता रही है। यह है सातवां स्कंद और 562 पृष्ठ ये संक्षिप्त देवी भागवत यहां नीचे आइएगा। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज इस प्रकार ये तो पहले अपने विषय बताया फिर वास्तविकता ये बता रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो ये अक्षर ब्रह्म बोल रही है और फिर ब्रह्म का ज्ञान बता रही है और वही सबके प्राण है वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है यह वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका क्या यहाँ पर अक्षर रूप ब्रह्म उसका नाम के मंत्र क्या बताया है परवण यानी ओम तो उसका मंत्र है धनुष है और जीव आत्मा साधक है यानी उसका बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य है। ओम का जीव आत्मा ओम का जाप करे ब्रह्म को अपना आराध्य इष्ट मानकर उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने। दुर्गा कह रही है उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म को और दूसरी सब बातों को छोड़ दे यानी किसी अन्य देव की पूजा ना करे ना दुर्गा की ना देवताओं की किसी की नहीं। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के पहिये ऐसे ऐसे अंतर्यामी रूप से वर्तमान है उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे तुम्हारा कल्याण हो।
और कहाँ उसकी सती थी क्या बताई है 563 पर कि वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ले भाई दुर्गा जी ने क्लियर कर दिया कि और सब पूजा छोड़ दो, मेरी भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म पूजा करो, उसका ओम नाम है, उससे जाप करो। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्म लोक में, ब्रह्म लोक में रहता है वो, वहां चले जाओ। अपने आत्मा आठ गीता जी जो है वेदों का सारांश है, और गीता जी और वेदों में कहीं पर भी दुर्गा की पूजा के विषय में नहीं लिखा है। और वेदों में पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष, और गीता जी में भी पूर्ण परमात्मा की साधना से पूर्ण मोक्ष कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनर्वर्ती में है, जो ब्रह्म तक की साधना करके ब्रह्म लोक चले जाते हैं उनका भी जन्म मृत्यु होता रहता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5-9 में बता रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। यानी ये ब्रह्म भी नाशवान है, अविनाशी नहीं है। अब दास ने क्या शब्द कहा था? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10-13 में दो बार लिखा है कि धीराणाम, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, संतों से जाकर ही ये कंसेप्ट क्लियर करो, वो बताएंगे परमात्मा साकार है व निराकार, और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत ही बताओगा। क्योंकि जिसको अक्षर ज्ञान है उसको विद्वान मान लेते हो तुम, जिसको संस्कृत भाषा आती है या इंग्लिश आती है हिंदी के अक्षर सीख लिए, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है तुम उसको अविद्वान मूर्ख कहते हो। नहीं, विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ये दास परमात्मा ने वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेज दिया, ये आपको वो सुना रहा है। अब ना सुनोगे तो वो आपका दोष होगा, भगवान का नहीं। अब इसमें आगे देखो, सतयुग के ब्राह्मण, सतयुग के ब्राह्मण यानी सतयुग में ही अज्ञानी थे तो त्रेता द्वापर में फिर कहना है के, और कलयुग वालों का फिर हम विचार ही करना छोड़ दें तो अच्छा है कि किसे मैं ऋषि थे दयानंद कैसे, ये निरे अज्ञानी अनाड़ी और केवल एक संस्कृत दान थे, इनको ना अध्यात्म ज्ञान था, ना कोई सामाजिक ज्ञान था, ना कोई खगोल भगोल का ज्ञान था, यानी कति भ्रमित करने के लिए काल के दूत बनकर आए थे इस पृथ्वी पर। ये देखिएगा श्री वही मध्य देवी भागवत। अब कलयुग के ब्राह्मणा का और आपको उनके ज्ञान से परिचित करा देते हैं, ये वही पुस्तक है 414 पृष्ठ। संक्षिप्त देवी भागवत 6 स्कंद। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब वेद व्यास जी भी अंदर ही आ जाएगा ज्ञान के, किसा ज्ञान था इसने, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब आ गया सतयुग के ब्राह्मणों का है ये विषय कि वो दुर्गा की पूजा करते थे और किसी की पूजा नहीं करते थे, और वेद के विद्वान थे। अब सतयुग के ब्राह्मणा का यू हाल था कि वो दुर्गा तो ऊपर किसी ने मानते नहीं थे, तो इससे देखो उनकी ब्रह्म तक भी बुद्धि ना जग गई थी, ब्रह्म तक भी वो साधना नहीं करते थे, दुर्गा यानी माया की पूजा में लगे हुए थे, उससे सिद्धियां आ जाती हैं। ये दो एक दो मंत्र हैं, जैसे हम आपको 5 मंत्र देते हैं, इन्हीं में से किसी को 1 दे देते थे, वो किसी में 2 दे देते, और उसके उसी की साधना में कई वर्ष लगे रहते थे, उससे सिद्धियां आ जाती थी, और फिर वो पंसारी हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते थे सिद्धियां प्राप्त करके। एक गौतम ऋषि था, एक समय इस देवी पुराण में ये प्रमाण आता है,
राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। उस ऋषि के लड़के ने, वो समाधिस्थ था ऋषि, तो उसके लड़के ने जब देखा कि तेरे पिता की बेइज्जती कर दी, मरा हुआ सर्प डाल दिया, उसने उसको श्राप दे दिया कि तुझे तक्षक सर्प डसेगा, सातवें दिन तेरी मौत हो जाएगी। अब उधर से वो सातवें दिन तक्षक ने डसना था, उधर से गौतम ऋषि को पता चला, उसने पता चला कि मेरे पास सर्प का विष उतारने की सिद्धि है, मंत्र मैंने सिद्ध कर रखा है, और मैं राजा को जीवित कर दूंगा तक्षक डसने के बाद, और राजा मुझे खूब धन देगा। इस उद्देश्य से उसने सारा जीवन या सिद्धि की। वो चला जा रहा था, उधर से तक्षक उस सर्प को पता चला, वो तक्षक सर्प मनुष्य रूप धारण करके गौतम ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, महापुरुष कहाँ जा रहे हो? गौतम ऋषि ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक तक्षक सर्प है, उस वो राजा परीक्षित को डसेगा, और मैं, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैंने सारे जीवन में यह कमाई की है कि मैं उसको तुरंत जीवित कर दूंगा और राजा मुझे बहुत धन देगा। ये नो पूजा करते माया। अब तक्षक सर्प ने सोचा भी तेरी तो बात बिगड़ेगी, तेरे डसे हुए को अगर ये जीवित कर देगा तेरी प्रभुता खत्म हो जाएगी। तो तक्षक सर्प कहने लगा कि मैं तक्षक हूं, और यदि तेरे पास ऐसी करामात है तो मुझे दिखा, मैं इस पेड़ को डंक मारता हूं। अब मनुष्य रूप से एकदम सर्प रूप में आके, और उसने एक बहुत बड़े पेड़ को, भारा पेड़ था, उस पीपल के पेड़ को ऐसे डंक मार दिया, उसके विष से एकदम वो पूरा वृक्ष जल गया, कति पत्तों सहित नष्ट हो गया। तब तक्षक ने कहा कि अब तू इसको कर हरा कर दे। तो उस गौतम ऋषि ने वो अपने मंत्र से वो हरा कर दिया। अब तक्षक ने जान लिया भाई तो काम बिगाड़ेगा तेरा। तो तक्षक कहने लगा कि आप ऐसा ना करो, यदि मैं डसूंगा और मेरे डसने से वो नहीं मरेगा तो वो ऋषि बालक मुझे भी श्राप दे देगा, मुझे डर लगता है। तो गौतम ऋषि से कहा उस तक्षक ने, तुझे जो जितने हीरे पन्ने जवारा जितना धन चाहिए मैं दे दूंगा, तू वापस चला जा। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने फिर ध्यान लगाया, ध्यान से देखा कि राजा परीक्षित की शेष आयु नहीं है, वो उस दिन उसने मरना ही है, उससे तक्षक से ही मरेगा। तो उसने देख लिया और ये सोच लिया कि अब मैं उसको जीवित नहीं कर सकता, अपने मन में सोच लिया कि उसकी सांस नहीं है, श्वास शेष नहीं है, तो मैं उसको जीवित नहीं कर सकता। तब उसने कहा ठीक है तक्षक, मुझे दे तू धन, मैं वापस चला जाता हूँ। तो तक्षक ने उसको ला करके बहुत ज़्यादा धन, सोना चांदी, हीरे पन्ने मोती बांध दी गिठड़ी, और वो पंडित जी गलाद गए, टट्टू की तरह उलटाया गया। सारे जीवन में ये माया की साधना, ये नो क्रिया करते। अब वो देखो सारे जीवन में उसने अपना ये मंत्र क्रिया साधन, लोगों ने तो देखा बड़े साधना कर रहा, वह तपस्या हट कर दी, कमाल कर दिया, और डोवे डले वो चावे माया है, है। कहते हैं डंब करें डोंगर चढ़े अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो सूल बबूल। तो यहां ये बताया जा रहा है कि ये कलियुग के ब्राह्मण बड़े वेद के विद्वान होते थे और ये माया की पूजा करते थे, हीरे जवाहरातों की, ये मिल लेंगे मैंने, क्योंकि ये राजाओं को क्यों प्रभावित करते थे, सिद्धियां करके उनको सिद्धियां दिखा दी, किसी का नाश कर दिया, किसी को आबाद थोड़ा बहुत कर दिया, अपने टायर से दूसरे के टायर में हवा भर देते थे, वो आप भी खाली हो जाते थे, उनका भी काम ना चला है। तो ऐसे ये भक्ति बिगड़ी हुई थी। अब देखो ये स्पष्ट हो गया, ये तो सतयुग के ब्राह्मणों की दशा बताई है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पारग पूर्ण विद्वान होते थे, और सतयुग के ब्राह्मण, और वो दुर्गा ही पूजा करते थे। तो कलयुग वालों का क्या होगा? अब इसी में फैसला दे रखा दुर्गा पुराण में, देखना। ये वही दुर्गा पुराण 414 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे थे छठे सेकंड में। इब आपने ये पढ़ा है कि राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे,
उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता। ये तो सतयुग के ब्राह्मणों के ज्ञान का सतर, वेद के विद्वान बतावें, और वेद में की तो दुर्गा की पूजा नहीं, दुर्गा के उसकी पूजा करो ब्रह्म की, और ब्रह्म करे उस कहे उस पूर्ण ब्रह्म की पूजा करो तत्वदर्शी संत की खोज करके। तो कलियुग के ब्राह्मण किसे होंगे, ये इस समय लिख रखा है, देखो ये यहां लिख रखा है, धर्म की यह स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वह कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। ये दास कह दे तो लड़ाई हो जाती, ये तो वो सदग्रंथ बता रहे हैं जिनको हम मानने मानते हैं। ये तो आपको दिखाई लालटेन है, क्योंकि इससे अब आप जो भी भगवान पुण्यात्मा इस सदग्रंथ को आंखों देख लेगा, मेरे दिखाए से पेटा ना भरा, क्योंकि इतना देरा हो रहा है, फिर घर जाकर देखेगा प्रश्न नोट करके अपने आड़ी में, जब पेटा भरा इसका को हो सचमुच ये दवाई महाराज जी तो सच्ची है बताओ है गलत को नहीं, फिर सोचना शुरू करता है वो। ईब कित कुआ पड़े भाई, कुछ दिन न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, अब क्या करें। हमने संत संत की वेशभूषा ऐसी मान रखी थी भाई, सिर पर जटा हो, लाल लत्ते पर रखी हो, माला घाल रखी हो, और गाम गुम छोड़ कर जंगल में रहता हो, बचपन से ब्रह्मचारी हो, तो हमारी वो भी एक गलत छुरी से गलत सिद्धांत से वो भी प्रभावित रहते हैं। कभी इब्राहिम पाल तो सीधे कपड़े हैं, सब साधारण सा व्यक्ति दिखा है, अरे यू तो जे ही था भाई, हाँ यू की सा संत है, तो कई दिन में तो यह सेटिंग होगी, कई महीना में भाई संत की सा हो से, अरे परमात्मा आके कपड़ा बना करते, एक जुलाहे में वर्ण में प्रगट हुए और कपड़ा बनते थे, वो परमात्मा थे। और नामदेव जी छिपा जाति में, दन्ना भगत जाट जाति में, किसान जाति में, गरीबदास जी किसान जाति में, और रविदास जी चमार जाति में, और वो परम संत थे, और कबीर परमात्मा स्वयं भगवान थे। लेकिन इन अज्ञान सिद्धांत ने, इन नकली ऋषियों ने परमात्मा और संत की परिभाषा ही बदल रखी थी। अब यह समझ में आवगी कि परमात्मा कौन है और संत कैसा होता है। पुण्यात्मा एक लाल होता है, लाल उसको किसी चांदी के डिब्बे में रख दें तो भी कीमत उतनी है, और उसने बोरी में लपेट के एक कपड़े में मैले से मर छुपा जा कि छुपा के तो भी कीमत उतनी ही है। तो जिसके पास भक्ति है वो कपड़े और किसी वर्ण में किसी प्रकार के, चाहे वो ऊंच जाति में है जैसे हमने ये सीमाएं बना रखी हैं, और चाहे वो नीच जाति में, लाल तो लाल ही है। अपने आत्मा हमने परमात्मा के इस विधान को समझना है। परमेश्वर कबीर जी को ये अशिक्षित अनाड़ी कहा करते थे, गंवार कहा करते थे। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आरे, पति भरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, परमात्मा कहे मुझे तो लबाड़ कहे मुंह मुआ ही बोल रहा है, अरे इन पाखंडिया ने तुम संत मान रहे हो, ऋषि मैं ऋषि मानते हो,
भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, इन अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, ये सचों को तो झूठा बताएं इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, ये सचों को तो झूठा बतावें इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहते इन झूठा न तो विद्वान बतावे, मैं ऋषि कहूं जिन कह कह का बिना वेरा ना वेदों का ज्ञान। और परमात्मा स्वयं आए थे वो तत्वदर्शी संत बनकर, उनको ये अविद्वान अशिक्षित इस दयानंद मय ऋषि ने परमेश्वर के बारे में यही व्याख्या की हुई है 11वें समलास में कि कबीर तो अशिक्षित था, ये ऐसे ही कहीं पड़ा मिला था फूलों के टोकरे में, टोकने में एक जुलाहा दंपत्ति उठा लाए, कई ब्राह्मणों के पास पढ़ने को गया, उन्होंने उसको शूद्र जानकर पढ़ाने से संस्कृत सिखाने से मना कर दिया, फिर ऊट पटांग बना के गाता था है, लोगों को कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए। बता भाई लाल की लाल से परिचित होता ये व्यक्ति तो ये भाषा नहीं बोलता भगवान के विषय में, जबकि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रगट होता है और उसकी परवरिश कुंवारी गायों से होती है। जब वो परमात्मा प्रकट होता है शिशु रूप में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 में और मंत्र नंबर 16 से 20 तक क्लियर कंसेप्ट किया है कि वो वेद ज्ञान दाता ब्रह्म बोल रहा है कि हे भगवान हम आप हमें अपने वास्तविक नाम से परिचित कराइए, आपका असली नाम के है। तो 17वें मंत्र में कहा है वो परमात्मा कबीर नाम से प्रकट होता है, वो परमात्मा कबीर है और वो अपनी कबीर वाणी को ऊंचे, जब वो बड़ा हो जाता है ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सुनाता है, और जिस कारण से वो एक कवियों में भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा ही होता है। अब इन कवि जैसे ये कवि और भी थे, जैसे आप बच्चे हम पढ़ते थे स्कूलों में विद्यालय में, तो उसमें हमें कवियों के कुछ दोहे आते थे जिसमें तुलसीदास जी के, कबीर परमेश्वर जी के, रहमन जी के, और भी एक दो और थे, तो उन दोहों में हम जैसे तुलसीदास जी के दोहे थे, उस तुलसीदास जी ने जो बोला है रामायण की लोकोक्तियां बोली हैं वो तो उन्होंने बाद में बोली है जबकि रामायण घटना घट चुकी थी, वो भी कवि था। और एक परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म कबीर जी आए, उनके श्लोकों में उनके दोहों में राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म और सारे ब्रह्मंडों की रचना का भी ज्ञान है वो भी दोहों के माध्यम से।
और जनसाधारण को अपना जैसे व्यवहारिक तरीके को भी समझाते हुए और अध्यात्म ज्ञान से भी उन लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार किया। तो अब उनकी हैं तो वो भी कवि और ये भी कवि, अब कवियों का कब की भिन्नता और परमात्मा की श्रेष्ठता उनके द्वारा बोली गई वाणी से ही हम अब तुलना कर लेंगे कि कबीर परमात्मा कवि की उपाधि प्राप्त करके भी भगवान थे और वो कवि ही थे, वो केवल काव्यकार ही थे, वो भगवान नहीं थे। उनकी वाणी, उनका सतर, उनके ज्ञान का सतर ही ये प्रमाण देगा। वेद कहते हैं वो परमात्मा अपने अपने महिमा की वाणी, अपना ज्ञान, अपने द्वारा रची सृष्टा सृष्टि को और स्वयं ही ऊंचे स्वर में बोलकर उच्चारण करता है लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। और वही परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले किया, जिसके विषय में महर्षि दयानंद जी आलोचना कर रहे हैं कि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता था इसलिए विद्वान नहीं हो सकता, और दयानंद तो संस्कृत भाषा जानता था इस जैसा विद्वान नहीं हो सकता, अविद्वान। ये इनके द्वारा, इनका अनुभव द्वारा रची पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश इसका प्रमाण है। अब देखना परमेश्वर के बारे में जो स्टेटमेंट महर्षि दयानंद जी दे रहे हैं ये बिल्कुल अज्ञानी की थी, अज्ञानी की है। यदि वो परमात्मा थे, परमात्मा से और वेदों से परिचित होता इस शब्द नहीं बोलता कि वो ऊंचे स्वर में आपको आवाज लगा लगा तंबूरे लेकर गाता था और उसने कुछ शब्द शब्द बना लिए, उसके अनुयायियों ने नोट कर लिए, अनुयायी भी गाने लगे, तो ये शब्द नहीं बोलता है। क्योंकि वेद प्रमाणित कर रहे हैं कि वो परमात्मा आता है, प्रसिद्ध कवि की भी उपमा प्राप्त करता है, उपाधि प्राप्त करता है। पहले आपको ऋग्वेद दिखा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 9 और 10, या आपको ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। भाष्य आर्य भाष्य भाषा भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। कहाँ से छपा है ये, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। ये देखिएगा, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, यहाँ मंडल नंबर 9 का सूक्त 1 मंत्र नंबर 9। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को, संस्कृत देखो साथ में शिशुम, ये सोमम, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या अहिंसनीय धेनवे माने गवियों गौवें तृप्त करती हैं। अब इसमें इन, क्योंकि पता नहीं था इनको ज्ञान, अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसका ये अर्थ बना कि उस सोमम यानी अमर पुरुष, अमर पुरुष माने अमर परमात्मा, जब वो शिशुम शिशु रूप धारण करके आता है यानी बालक अवस्था में, अभी अधन्य माने पूर्ण रूप से कुमारी, अभी यानी सब प्रकार से, अधन्य माने बिना धनाई, हमारी लोकल लैंग्वेज में हरियाणा भाषा में गाय को कहते थे कि गाय अधन्य है, बिना धनाई है, और धनाई माने जो गर्भ धारण नहीं कर रखा, और जो धना जो गर्भ धारण कर लेती तो कहते थे ये 3 महीने की हो चुकी है, ये 3 महीने पहले धनाई थी यानी ये गर्भवती हुई थी। तो अधन्य अभी अधन्य, अभी अधन्य माने पूर्ण रूप से कवारी, जो कभी धनाई ना हो पशु सांड ने, यानी कवारी, सिंपल लैंग्वेज में समझा रखे। देखो अभी अधन्य, उस सोमम माने देखो सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, तरह के इमम माने उस, सोमम माने अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप में, शिशु माने बालक, मनुष्य का बालक रूप अवस्था में सब प्रकार, अभी अधन्या पूर्ण रूप से बिना धनाई, धनाई धन्या माने धनाई हुई, अधन्या बिना धनाई, और धेनव माने गौवें तृप्त करती है। हे भगवान,
वेद तो कति क्लियर कर रहे हैं। एक कहावत थी पहले कि भाई वेद तो सच्चे हैं, वेद में तो बिल्कुल सही ज्ञान है, पर इनका सोधनिया को ना, सोधनिया मीन इनका अनुवादक ठीक नहीं है। अभी तक ये परमणा थी कि अरवा सच्ची थी, अब जैसे मक्खन है, अब मक्खन में घी है और जब इसने को ठीक से गर्म करना नहीं जानता तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो कंडम हो जाना। तो ये वेद अब अंतिम सांस गिने थे, यदि आज इनमें से ये शुद्ध घी नहीं कर दिया जाता तो वेदों का अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो जाना था। क्योंकि जो वेदों के ज्ञाता समझते थे उनकी थ्योरी और सिद्धांत वेद ज्ञान से विपरीत था, तो उस ज्ञान के आधार पर हमने वेदों को छोड़कर उन अज्ञानी महर्षियों के ही द्वारा अनुभव की लिखी पुस्तकों को फाइनल मानकर उस पर आश्रित हो गए थे, वेदों में झांकना भी बंद कर दिया था। और ये मानो समाज का विनाश का कारण बन जाना था। दया करी उस परमेश्वर ने इस दास को ये बुद्धि दी, अपनी अकल अपनी शक्ति से अकल दी, ना इस संस्कृत और इस लैंग्वेज के जानने वाला शब्द ग्रंथों को नहीं सुलझा सकता। कहते हैं परमात्मा कहा करते थे कि यो तो भाई नौमन सूत उलझ गया, क्योंकि परमात्मा वो कपड़ा बुनते थे, वो सूत है ना, सूत क्या एक लंबा सा वो होता था, इतना बड़ा गुच्छा सा, और वो उलझ जाए ना, वो एक महीने में नहीं सूत में आकर था, वो सुलझ ही नहीं था जल्दी, थोड़ा ऐसा। और परमात्मा उदाहरण दिया कि वेदों और सदग्रंथों का यथार्थ ज्ञान जो है इन अनाड़ियों ने अज्ञानियों ने यो तो नौमण सूत उलझा दिया। नौमण अर्थात 360 किलो ग्राम यो सूत उलझा दिया, और इसको सुलझाना कौन सुलझा सके है। कहते नौमण सूत उलझिया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे ना दूजी बार। अब यो ज्ञान इस दास को परमात्मा ने बुद्धि दी, उस कबीर भगवान ने अब ऐसा सुलझा दिया ये सूत कि कदे इस कलयुग में तो उड़ जाएगा नहीं, जिसने भक्ति करनी है कोई उड़ जा ही नहीं सकेगा, इतना क्लियर कंसेप्ट हर तरह से हो जाएगा। और अब तो दास को गालियां दे रहे हैं उन दुष्ट लोगों के, भ्रमित की हुई जनता बाद में रोया करेंगे जब इस यथार्थता से परिचित होंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग शुरू से ही ऐसे करते आए हैं। जैसे ईसा मसीह जी को क्रस करवा दिया उन नकली पादरियों ने, झूठे कपटियों ने, कि ये झूठ बोलता है, ये गंदा है, ये हमारे देवताओं को मना करता है। और वो गवर्नर भी, उनके इतिहास में लिखा है, गवर्नर भी इन्हों कह रहा है कि सजुलम मत करो, ऐसे पुण्य आत्मा को मत, तुम ऐसा जुलम कराओ, लेकिन वो भी उसके प्रभाव में आ गया फिर। और आज उस महापुरुष के गुणगान करते करते थूक सूख जाता है ईसाइयों का, और कितनी जनसंख्या जो उनको गुणगान कर रही है, उन दुष्टों को धिक्कार रही है। लेकिन अब केवल वो लाल खो दिया, लेकिन अब हमें ये सुअवसर मिल गया, हमारा एक सौभाग्य है कि हम आज शिक्षित हो गए और इन झूठे कपटी आचार्यों की बातों में आए नहीं, और मालिक का सहारा जब साथ है। तो ये परमात्मा ने ये इस युग में पूरे विश्व तक पहुंचाना है, ये उनका वचन है। तो इस वचन को, मालिक के आदेश को जीव कैसे रोक सकता है, ये तो उसकी भूल है। तूफान को रोकने का प्रयत्न करना इस ज्ञान को रोकना मात्र है। अब देखो ये क्लियर हो गया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और इसका मंत्र नंबर 16, इन्हीं के अनुवाद से। हे परमात्मन, गुह्यम माने सरोपरी रहस्य, चारु माने श्रेष्ठ, इन्होंने नाम का अर्थ नाम नहीं किया, इन्होंने नाम का यहां लिखना था। हे परमात्मन, सरोपरी रहस्य श्रेष्ठ नाम, जो आपका नाम है, तुम्हारी संज्ञा नहीं लिखना था, नाम ही लिखना था, जो आपका वास्तविक नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं, बस इतना ही काफी है। आप उपासक लोगों से सत्यमान हैं, अब सब आयुध है, अपने
शक्ति रूपी यानी तत्व ज्ञान रूपी हथियार के साथ युक्त हैं, शस्त्र से युक्त हैं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में ये वर्णन बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है और जो इसको सभी पार्ट्स को पत्तों सहित जो भिन्न भिन्न बताएगा स वेदवित वह तत्वदर्शी संत होगा। और उसमें क्या बताया है कि फिर जब तत्व ज्ञान तेरी समझ में आ जावे, 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में जब तुझे ये तत्व ज्ञान परिचित हो जावे तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से, उसके बाद इस उलझे हुए अज्ञान रूपी अंधकार अज्ञान रूपी वृक्ष को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र यानी परमात्मा अपने सब आयुध माने अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सुसज्जित है और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस काट कर उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को हटाकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते।